बच्चों, अभी तक हमने इस कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन को देखा। इसके लिए हमने क्या किया था? इसके लिए हम एक लेज़र लाइट लिए थे और जब इस लेज़र लाइट को इस कांच के गुटके पर हम डाले थे तो ये इस कांच के गुटके के अंदर मुड़ गई थी और मुड़ते हुए ये इस कांच के गुटके से बाहर निकली थी। तब हमने क्या देखा था कि जो आपतित किरण है और बाहर निकलने वाली किरण है उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ये दोनों ही किरण एक दूसरे के बिल्कुल समांतर थे। आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस कांच के गुटके को यदि हम ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि इसके दोनों ही अपवर्तक पृष्ठ एक दूसरे के समांतर हैं। अब हम एक ऐसी वस्तु लें जिसके दोनों ही पृष्ठ एक दूसरे के समांतर ना हो, तो क्या प्रकाश का अपवर्तन उसी प्रकार होगा जिस प्रकार कांच के गुटके में हुआ था? अब इसके लिए हम एक ऐसी वस्तु लेते हैं जो तीन आयताकार पृष्ठों से बंधी हुई है। देखिए, एक, ये दो और ये तीन। इसमें तीन आयताकार पृष्ठ हैं और दो त्रिभुजाकार पृष्ठ हैं। ये एक और ये एक दो। इसका मतलब ये वस्तु तीन आयताकार पृष्ठ और दो त्रिभुजाकार पृष्ठों से बंधी हुई है। इस वस्तु को हम प्रिज्म कहते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रिज्म में क्या उसी प्रकार प्रकाश का अपवर्तन होता है जिस प्रकार कांच के गुटके में हुआ था। इसके लिए हम फिर लेज़र लाइट का इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए सबसे पहले हम इस कमरे को बिल्कुल अंधेरा कर देते हैं। तो चलो इस कमरे को अंधेरा कर दें। अब इस अंधेरे कमरे में मैं इस प्रिज्म को इस डाइस पर रख देती हूँ। बच्चों, मेरे पास एक लेज़र स्रोत भी है जिसको चालू करते ही आपको एक हरे रंग की लेज़र दिखाई देगी। तो इस लेज़र किरण को हम चालू करते हैं और इस प्रिज्म पर आपतित करके देखते हैं, क्या ये प्रयोग बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा कि ग्लास स्लैब में हुआ था। अरे, ये क्या, ये प्रयोग तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि ग्लास स्लैब में हुआ था। ये जो आपतित किरण इस प्रिज्म पर आ रही है वो तो अपने मार्ग से बिल्कुल विचलित हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं जो किरण इस प्रिज्म पर आपतित हो रही है वो इस प्रिज्म के अंदर मुड़ने के बाद बाहर निकल रही है और इस बाहर निकलने वाले निर्गत किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा से बिल्कुल ही अलग है। इसका मतलब ये प्रयोग ग्लास स्लैब के प्रयोग से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों पृष्ठों के बीच में यदि कोण होता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में भी कोण बन जाता है। इस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। यदि ये प्रिज्म इस आपतित किरण के मार्ग पर नहीं होता तो ये किरण बिल्कुल सीधी जा रही होती, लेकिन जैसे ही मैंने प्रिज्म को इसके मार्ग पर रख दिया ये किरण बिल्कुल दूसरी ही दिशा में चली गई। मतलब हम कह सकते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों की दिशा बिल्कुल ही अलग अलग है। बच्चों, इस प्रयोग को हमने लेज़र लाइट की सहायता से किया। आपको ये प्रयोग कैसा लगा? आपने देखा कि जब इस प्रयोग को हम लेज़र लाइट की सहायता से किए, इस पर जब प्रकाश आपतित हुई, इस प्रिज्म के अंदर जाकर वो प्रकाश मुड़ी और इस प्रिज्म से वह प्रकाश बाहर निकली, हमने और भी एक चीज़ पाया। हमने देखा कि आपतित प्रकाश और निर्गत प्रकाश दोनों की दिशा बदल चुकी थी, दोनों के बीच में कोण बन रहा था। इस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। अच्छा बच्चों, आपने सोचा है कि यदि इस प्रकाश को मैं लेज़र लाइट की जगह पर श्वेत प्रकाश से करती तो क्या होता? श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से गुजरने के बाद जब बाहर निकलती तो ये सात रंगों में बट जाती। ये वही सात रंग हैं जो हमको इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सात रंगों से मिलकर ही श्वेत प्रकाश बनता है। आप भी इस प्रयोग को अपने विद्यालय में ज़रूर कीजिए, लेकिन आप इस प्रयोग को अपने विद्यालय में पिन की सहायता से कीजिए। ऑल पिन की सहायता से भी इस प्रयोग को किया जा सकता है।